वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। मायसेल्फ ओम प्रकाश, केमिस्ट्री फैकल्टी। एंड टुडे आई विल डिस्कस क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हमें जिस जिस बातों पर ज़्यादा फोकस करना है वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। वैसे सबसे पहला चीज़ है मैटर, मैटर की डिफिनेशन कि मैटर होता क्या है, कौन कौन से पार्टिकल्स मैटर में आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, वो चीज़। दूसरी, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। कैसे करता है, क्यों मैटर मूव करता है, क्या सारे मैटर्स में पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे, इस चीज़ को हम लोग एक्टिविटी के थ्रू भी और बाय द क्वेश्चंस के थ्रू भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि क्या सारे पार्टिकल्स के पास जो स्पेसेस होते हैं वो क्या सारे में सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्यों होता है, क्या कारण है, इस चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा, जो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट है जो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि क्या जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है, और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, इस चीज़ पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर के स्टेट्स क्या है, इन द सेंस कि मैटर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें हम लोग सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसे हम सॉलिड कहेंगे, उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी फ्लूडिटी क्या होगी, उसकी रिजिडिटी क्या होगी, उसके पास स्पेस होगा, वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगा, ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस करेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल फॉर्म्स को। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इस चैप्टर्स में ओनली वी डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आपका सेकेंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर जो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर, हम लोग उसके टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर और उसका कन्वर्जन कि डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे या केल्विन को हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंजेज इन फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इन द सेंस कि हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस मतलब कैसे कन्वर्ट होता है, जहाँ पे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि प्रेशर के कम करने से या ज़्यादा करने से, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि जो भी पार्टिकल्स है अगर हम उसकी एरिया को अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो जैसे ही हम उसकी एरिया को डिक्रीज करेंगे मतलब कि हमारा जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर से कैसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करेंगे, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो है इवेपोरेशन, उसकी डिफिनेशन कि इवेपोरेशन होता क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जहाँ पे कि हम लोग देखेंगे कि जब जैसे ही हम मतलब ये चीज़ हम लोग जनरली हम वहाँ पे पढ़ते हैं जहाँ पे कि हम लोग डेली लाइफ में भी इसे हम देख सकते हैं। जैसे कि आपका आप जो पानी रखते हो किसी भी गमले में तो क्या होता है, उसका वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ आता है, या फिर गर्मी में कोई भी जो क्लॉथ होता है वो बहुत तेजी से क्या होता है ड्राई हो जाता है, बट ठंडे के समय में बहुत धीरे से होता है। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसकी ऑपरेशन डिपेंड करता है, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आंसर जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको कराए जाएंगे। एक चीज और, जब भी मेरी वीडियो खत्म होगी तो मैं हमेशा कुछ दो तीन क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने रखूंगा जो कि आपके मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है या आपके मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी हो सकता है, उस क्वेश्चन को जरूर खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। सो नाउ अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले जो मैंने कहा भी था कि सबसे पहले हमें क्या फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा था, मैटर उसकी डिफिनेशन। तो देखिए मैंने लिखा भी है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैविंग मास वॉल्यूम एंड कंपोज्ड ऑफ एनी पार्टिकल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से आप ना डिफाइन मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि कौन सा चीज मैटर होगा या कौन सा चीज मैटर नहीं होगा। ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस कहने का मतलब होता है कि जो उसकी मतलब उसकी वॉल्यूम होगी, ठीक है, कि वो जो जिस भी चीज में आप उसे रखोगे
तो उस चीज को हम क्या करते हैं, उसके स्पेस से डिफाइन करते हैं। मास हर चीज का, किसी भी सब्सटेंस का अपना एक खुद का मास होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास जो होता है वो हर जगह पे किसी भी कहीं भी जाइए, मास हमेशा पार्टिकल का कांस्टेंट रहता है। चेंज क्या करता है, वेट। इसीलिए देखते होंगे कि मून पे और अर्थ पे क्या होता है, मास 1/6 मतलब वेट जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है मून पे। तो सिंपली एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस हैविंग मास वॉल्यूम। वॉल्यूम सबको पता है, किसी भी सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लिक्विड पार्टिकल से कैसे निकालेंगे। लिक्विड पार्टिकल जो भी होगी या गैसेस पार्टिकल जो भी होंगे उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम होगा जिस भी मतलब जिस भी कंटेनर में या जिस भी चीज में आप उस पार्टिकल को रखेंगे और जितना वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा वही होगा उसका वॉल्यूम। और नेक्स्ट कंपोजर फ्री पार्टिकल्स, तो मैंने कहा है कि हर पार्टिकल्स जो है, ये चीज आपका हर चैप्टर्स में बहुत काम आएगा। तो वहां पे हम इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे जो कि इसके केंद्र प्रॉपर्टी से रिलेट करेंगे। एग्जांपल में टेबल, चेयर, पेन, वाटर, एयर, इत्यादि। अगर आप इस, मैं एक एग्जांपल को मैं बताता हूँ। टेबल मैंने कहा ऑक्युपाई स्पेस, आपको पता है कहीं भी टेबल को रख दीजिए वो उस जगह के स्पेस को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। और आपको पता है उसके पास टेबल के पास अपना क्या होगा, मास होगा। और टेबल किस चीज से बना है, वुड से बना है, मतलब कंपोज्ड ऑफ एनी पार्टिकल्स। तो आप किसी भी एग्जांपल उठा ले, सपोज कीजिए मैं वाटर को लेता हूँ, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं वाटर स्पेस। तो आप किस वाटर को कहाँ रखें, किसी भी ग्लास में रखिए या किसी भी बकेट में रखिए, तो उस चीज को वो क्या करेगा, तो उसके स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। उसका मास, वाटर का अपना मास होता है जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब उस बकेट का जितना सरफेस मतलब जितना एरिया उसने कवर किया है वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। नेक्स्ट हाँ, उसके बाद कंपोजर फ्री पार्टिकल्स तो पता है, वाटर जो वो किस से बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो आप किसी भी इसमें से किसी भी एग्जांपल को ले सकते हैं और इस डिफिनेशन ए ऑक्युपाई स्पेस मास वॉल्यूम और स्पीड क्या कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं। इस चीज को शुरू करने से पहले मुझे ये चीज कहनी चाहिए थी, बट मैंने इसे इसके बाद लिखा है क्योंकि याद रखिएगा मैटर का जो मतलब रियली जो डिस्कवरी थी या मतलब जो उसकी जो मतलब जिसके बारे में साइंटिस्ट ने कहा था वो अर्लियर जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे या ग्रीक फिलोसफर, उन्होंने बहुत साल पहले ही कह दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी मैटर है दे आर मेड अप ऑफ बेसिक 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स से क्या होते हैं, कोई भी मैटर क्या होता है, कंपोज होता है, जो कि जनरली जिसे हम लोग पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच तत्व, जिसके बारे में हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स या फिर ग्रीक फिलोसफर्स थे ये बात बहुत साल पहले कह दिया था। बट उसके बाद उस पंच तत्व को हम लोग अब के समय में मैटर या फिर उस मैटर को भी फर्दर हम लोग क्लासीफाई एटम में करते हैं और हम उसे क्लासीफाई करते हैं, एटम को भी हम क्लासीफाई करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन मिलता है। तो जो हमारे पंच तत्व हैं वो क्या क्या हैं, एयर, हवा, फायर, स्काई, आकाश, वाटर, जल और अर्थ, धरती। तो ये पांच तत्व से मिलकर कोई भी मैटर जो होता है वो क्या होता है, बना होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब मैंने कहा कौन कौन सा चीज मैटर नहीं होगा, तो जो भी चीज इस 3-4 पॉइंट्स को फुलफिल नहीं करेगा वो आपका मैटर नहीं होगा। जैसे कि जॉय, लव, कोल्ड, हॉट, पेन। जैसे जॉय मतलब क्या होता है, खुशी। खुशी स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करता, उसके पास कोई भी खुशी का कोई मास नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता या खुशी किसी भी पार्टिकल से नहीं बना होता, क्योंकि ये फीलिंग है। तो सिंपली जो भी फीलिंग्स वाली चीज आएगी जिसे हम फील कर सकते हैं वो मैटर में नहीं आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट इस मैटर की डिफिनेशंस के बाद नेक्स्ट जो आता है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जो कि हमारा क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है। और ये चीज मैं जो कहने जा रहा हूँ कि जो भी चीजें यहाँ पे लिखी है आप जब भी पढ़ाई शुरू करोगे आप इसी के थ्रू जाओगे। अगर आप इसके थ्रू जाते हो आपका कोई भी चीज छूटेगा नहीं और कोई भी चीज आपका मतलब मिस नहीं होगा। और एक चीज और, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है उससे आप कॉपी में एक नोट्स के तौर पर भी लिख सकते हैं। इसमें हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने नहीं लिखा होगा या बुक्स में आपके और भी नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, उस पॉइंट्स को भी आप लिखोगे। अगर उस पॉइंट में कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताओगे, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसे आप मतलब एक एज अ पॉइंट के तौर पर आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, नोट्स के तौर पर लिख सकते हो, बट उसे अपने तरीके से आप एडवांस बना सकते हो। हमारे पास स्पेसिफिकल नहीं था, मैंने किसी और डिलीवर नहीं किया, आप उसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, किस मतलब किस चीज पे मैटर हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर्टीज पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहला चीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर
कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होगा वो क्या करता है, मूव करता है। अब मुझे कहोगे सर क्या टेबल का पार्टिकल्स मूव करता है? बिल्कुल नहीं। तो जो चीज जब मैं स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा और जब मैं इसे और इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे मैं बताऊंगा कि सॉलिड में या फिर लिक्विड में या फिर गैस में किसमें पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो ज्यादा मूव करता, किसमें कम मूव करता, किसमें इंटरमीडिएट रहता है, मतलब किसी से ज्यादा या किसी से कम रहता है। तो इस चीज को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर मैं आपको मैथमेटिक्स के थ्रू भी बताऊंगा कि कैसे ये चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस, वही चीज कि किस पार्टिकल में स्पेस ज्यादा होगा, किस पार्टिकल में स्पेस कम होगा, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। तीसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जब जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। याद देखिएगा इस तीनों पॉइंट को हम सिर्फ दो पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो पॉइंट जो मैं अभी आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूँ, और इस चीज को आप क्या करेंगे ध्यान से इस चीज को ये करेंगे। सबसे पहला आता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और दूसरा आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो पॉइंट से इस चैप्टर के आप 90% फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं थोड़ा सा एक बेसिक्स ये देता हूँ, यह बात की कि आप लोग हमेशा अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, सपोज कीजिए आप लोग स्कूल में एक बेंच पे बैठने की स्टूडेंट की बैठने की संख्या 4 है और मैं कहूँ कि उस बेंच पे आप 5 लोग बैठो, तो 4 की एकोमोडेशन के बाद अगर मैं 5वां बैठाऊंगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उस बेंच पे बैठने की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर स्पेस कम हो गई तो आपको क्या होगा, ज्यादा मतलब टाइटनेस महसूस होगा, मतलब वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। तो आप क्या करोगे, अलग होने की कोशिश करोगे। ऑलवेज रिमेंबर इतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा किसी भी चीज का, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब होता है एक ही जगह बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो इस दो पॉइंट को और इस तीन चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको एक्टिविटी भी दिखाऊंगा और आप देखोगे कि कैसे इन चीजों को हम क्या करते हैं, आपस में कोरिलेट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में रिलेटेड भी होंगे और कुछ क्रिएटिविटी या कॉन्सेप्चुअल्स भी होंगे। तो पहला मेरा एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन, पहला इंडेक्स क्वेश्चन है वो यही है कि आपको बताना है कि कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है, इंडेक्स क्वेश्चन करना है। दूसरा एक्सरसाइज क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो होगा वो भी आपका यही है, आपको बताना है कि कौन सा मैटर है कौन सा मैटर नहीं है। तो ये हो गया एक्सरसाइज क्वेश्चन से, और मैंने कहा था एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दूंगा, तो वो ये है कि अगर हम कहते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड या सॉलिड पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं, तो क्या सच में सॉलिड पार्टिकल्स में स्पेस नहीं होता, और अगर स्पेस नहीं होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी चीज में स्पेस नहीं होगा। अगर नहीं होता तो मतलब कैसे नहीं होता, एक्टिविटी करके मुझे मतलब कमेंट में या मुझे बताइएगा, और अगर होता है तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है पर इसकी क्रिएटिविटी के लिए आपको सिर्फ ध्यान रखेंगे। तो फिर से मैं कह रहा हूँ इसे नोट्स कर लेना, इसे नोट्स पर लिख लीजिएगा और उस दोनों क्वेश्चन को करते चलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।